नमस्कार प्रिय दर्शक मित्रों, आपनु हार्दिक स्वागत पोस्कार गुजराती न्यूज चैनल ने सब्सक्राइब शेयर अने लाइक करो। बरवाड़ा नगर पालिका ना नवा प्रमुख अने उपप्रमुख नी वरनी मान भूलाई कोरोना गाइडलाइन। सरकारी कचेरी मान सरकार नी गाइडलाइन ना धजागरा उड़या। वड़ा प्रधान नी कोरोना गाइडलाइन ना पालन नी अपील ने बरवाड़ा भाजपना ज नेताओं घोड़ी ने पी गया। शून भाजपना नेताओं ना कारणे कोरोना संक्रमण नहीं फैलाय। बरवाड़ा खाते नगरपालिका मान नवा प्रमुख अने उपप्रमुख नी वरणी करवामां आवी, जेमा भाजप कार्यकरो तेमज अधिकारीओ मोटी संख्या में हाजर रह्या हता। जेमा प्रमुख अने उपप्रमुख नी वरणी ना उन्माद मान कोरोना गाइडलाइन नू सरेआम भंग थवा पामेल हतो। नवा चूंटायेला सभ्यो शहर भाजप प्रमुख सहित मोटा भागना लोकोए मास्क वगर एकबीजा ने मिठाई खवड़ावी उजवणी करी सोशियल डिस्टन्स ना उड्या लीरे लीरा। सरकारी कचेरी मां ज सरकारनी गाइडलाइन ना खुल्लेआम धजागरा उड़ता नजरे पड्या। एक तरफ मोटा कार्यक्रमों ना योजवा अपील कराई रही छे, त्यारे बीजी तरफ शहरना मुख्य चोकमान शहर भाजप द्वारा मुकाया नगरपालिकाना नवा पदाधिकारीओनी निमणूकना आमंत्रण बोर्ड, त्यारे बुद्धिजीवीओ मान चर्चाओ मुजब शू कोरोना गाइडलाइन मात्र प्रजा माटे ज छे? शू 1000 रुपया मास्कनो दंड मात्र प्रजा माटे छे? शू आ शासकों के अधिकारीओने लागू नथी पड़ती कोरोना गाइडलाइन? जेवी चर्चाओ ए लोकमुखे जोर पकड्युं हतुं। वडाप्रधाननी अपील ने भाजपना ज कार्यकरो अने नवा चूंटायेला अधिकारी पदाधिकारीओए ज उड़ाव्या धजागरा। वडाप्रधान पण आजे रेली करी हती। मोटी संख्यामां कार्यकरो मास्क वगर जोवा मळ्या हता। सोशियल डिस्टन्सना पण धजागरा उड्या। चूंटणी होय त्यां कोरोना गायब अने चूंटणी पूरी थाय एटले कोरोना प्रवेश। कोरोना पण शिस्तमांथी आवे छे। राजकीय नेताओ जाय मोकले त्यां थाय जाय छे ने आवे छे। शून नेताओ अने कायदाओ बनावनारा ज कायदानुं उल्लंघन करे छे। प्रजा हवे जाय तो क्यां जाय? આવતા દિવસોમાં જે કામ બાકી છે તે કામ કરીશું અમે। કઈ રીતના કામ કરીશું? રોડ રસ્તાઓ ગટર સફાઈ કામ કોઝ પ્રાથમિકતા આપીશું। અહીંના સ્થાનિકોનો જે વારંવાર પ્રશ્ન, પ્રમુખ તરીકે હું આવ્યો છું અને મારી નગરમાં બધી જવાબદારી છે, મારી પ્રમુખની અને બધી ટીમની। અમે સફાઈ પાણી અને રસ્તાઓના જે કામ છે એ એક વર્ષમાં પૂર્ણ કરશું અને સંપૂર્ણ ધ્યાન દઈશું નાનામાં નાના કામમાં। હવે આની પહેલા પણ આપની જ બોડીનો વિજય થયો હતો, તો એમાં કેવા વિકાસના કામ કર્યા હતા અને આગળ કેવા વિકાસના કામ કરશો? અમારી બોડી હતી ને, અમે 90% રોડના કામ પૂરા કર્યા છે 5 વર્ષમાં અને હવે 10% કામ બાકી રહ્યા છે એ એક વર્ષમાં પૂર્ણ કરશું।